हेलो स्टूडेंट, आई एम योर साइंस टीचर कमलेश गर्ग। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर वन ऑफ क्लास 9, द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। व्हाट इज मैटर? डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मैटर? ऑल ऑब्जेक्ट और थिंग्स विच हैव मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी फील थ्रू वन और मोर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन आर कॉल्ड मैटर। Example, water, air, stone, wood, iron, etc. are called matter. द्रव्य क्या है? वे सभी चीजें जिनमें द्रव्यमान होता है, ब्रह्मांड में जो स्थान घेरती है, संवेदी अंगों के माध्यम से जिन्हें महसूस किया जाता है, उन्हें द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य कई प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जल एक द्रव्य है, हवा एक द्रव्य है, पत्थर एक द्रव्य है, लकड़ी और लोहा इसी प्रकार के अन्य उदाहरण हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं दो हैं। नंबर वन, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर यानी कि द्रव्य कणों से मिलकर बना है। लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। वी हैव ए 100 मिलीलीटर बीकर दैट इज आवर बीकर। फिल इट हाफ विद वाटर। हम इसे आधा जल से भर देते हैं। इसमें 2-3 क्रिस्टल्स शुगर के ऐड करते हैं। मान लीजिए ये आपके शुगर क्रिस्टल्स है और आपने इनको यहां पर ऐड कर लिया है, शुगर क्रिस्टल। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको एक ग्लास रोड लेनी है। ग्लास रोड। हम क्या करेंगे, इस ग्लास रोड से शुगर क्रिस्टल को डिजोल्व करने का कार्य करेंगे। आप देखेंगे एक समय ऐसा आता है कि थोड़ी देर बाद यह शुगर क्रिस्टल इस जल के साथ घुल जाता है। लेकिन आप यह भी नोटिस करेंगे कि जब आपने शुगर क्रिस्टल को नहीं खोला था, तब भी यह वाटर का जो लेवल है वो AB ही था। उसके बाद जब आप उसके अंदर शुगर क्रिस्टल के पार्टिकल्स एड करते हो और उसे एक ग्लास रोड की सहायता से डिजोल्व कर लेते हो, उसके बाद भी आप क्या देखते हैं, वाटर लेवल जो है वो आपका AB ही रहता है। यानी कि वाटर के लेवल में आपको इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता, जो इस बात को प्रूव करता है कि मैटर जो है वह पार्टिकल, मैटर के पार्टिकल जो है वह कणों से मिलकर के बने हैं। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब जल के अंदर शुगर क्रिस्टल को डिजोल्व किया जाता है तो शुगर के पार्टिकल्स जल के अंदर मौजूद स्पेस के साथ ऐड हो जाते हैं। यानी कि जल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ वैकेंट स्पेस होता है। उन वैकेंट स्पेस को क्रिस्टल के पार्टिकल्स, शुगर क्रिस्टल के पार्टिकल्स जो है वो वहां पर सेटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर के लेवल में कोई भी इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता है। आप एक नए पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए जो वाटर है उसके पार्टिकल्स जो है वो कुछ इस प्रकार से मौजूद है। ये वाटर पार्टिकल्स हैं। इसके बाद जब इसमें शुगर क्रिस्टल के पार्टिकल्स को ऐड किया जाता है तो शुगर के पार्टिकल्स बीच में जो गैप होता है वहां पर एडजस्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहां पर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वह किस प्रकार से होता है।
तो जब हम वाटर के पार्टिकल की बात करते हैं तो वाटर के कई सारे पार्टिकल्स के बीच में वैकेंट स्पेस पाया जाता है। इस वैकेंट स्पेस को वॉइड्स के नाम से जाना जाता है। इन टू पार्टिकल के बीच जो वैकेंट स्पेस है दोस्तों, इन्हें हम वॉइड्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड अ वॉइड्स। सेकेंड फिजिकल नेचर ऑफ मैटर इज दिस पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। द्रव्य के ये कण बहुत छोटे हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हमने 100 ml वाटर लिया है, इसके साथ में कुछ क्रिस्टल्स KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के ऐड करते हैं। इस प्रकार से आपको एक सॉल्यूशन A मिल जाता है। यह सॉल्यूशन दोस्तों 100 ml का है, जिसमें हमने वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट को डिसॉल्व किया है। इस 10 ml सॉल्यूशन के साथ में हम एक नेक्स्ट सॉल्यूशन रेडी करते हैं। ये सॉल्यूशन दोस्तों हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 है। इस सॉल्यूशन नंबर 1 में हमने 90 ml वाटर और 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन ए से आया है, उसे ऐड करके एक नया सॉल्यूशन रेडी किया है। इस न्यू सॉल्यूशन की अगर बात करें दोस्तों, तो यहां से अगेन आपको क्या करना है, 10 ml सॉल्यूशन बीकर नंबर 1 से सेपरेट कर लेना है। इस 10 ml सॉल्यूशन को हम बीकर नंबर 2 में ला करके ऐड कर देते हैं। इस बीकर नंबर 2 में हमने 90 ml वाटर ऑलरेडी फिल कर लिया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी हमने क्वांटिटी को 10 ml कर दिया है। यहाँ पर क्वांटिटी को इंक्रीज करने का तरीका ये है कि हम प्रीवियस सॉल्यूशन से 10 ml को लेंगे, उसके साथ 90 ml वाटर को ऐड करके 100 ml सॉल्यूशन रेडी कर लेते हैं। ऐसा करने पर क्या होता है, ऐसा करने पर आपको यह देखने को मिलता है दोस्तों कि फर्स्ट सॉल्यूशन जो आपने पोटेशियम परमैंगनेट का रेडी किया था, इसका कलर सबसे डार्क होता है। यह सॉल्यूशन डार्क पर्पल कलर का आपको दिखाई पड़ता है। उसके बाद जब हम सॉल्यूशन 1 को कंपेयर करते हैं इस डार्क सॉल्यूशन के साथ, तो आपको यह देखने को मिलता है कि सॉल्यूशन नंबर 1 आपको कलर में थोड़ा लाइट देखने को मिलता है। इसी टाइप से जब हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट सॉल्यूशन रेडी करते हैं, तो इसका कलर जो है वो सबसे लाइट होता है, जो इस बात को प्रूव करता है कि पार्टिकल काफी छोटे होते हैं। इन पार्टिकल को सेपरेट करना भी काफी मुश्किल होता है। अगर दोस्तों इस प्रकार के और भी सॉल्यूशन रेडी किए जाएं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है वह लगातार लाइट होता चला जाता है, लेकिन वह लाइट कलर कभी भी खत्म नहीं होता है, जो इस बात को प्रूव करता है कि पार्टिकल काफी छोटे होते हैं और यह स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करते रहते हैं जैसे जैसे हम सॉल्यूशन बनाते हैं।